हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स कंसेप्ट 9 to 12 बाय एमके उपाध्याय। हम इस चैनल में क्लास 9 to 12 का मैथ्स पढ़ाएंगे, बेसिक थी। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू। ओके, चलो आज हम, जैसा कि हमें पता है, अब 9 to 12 चैप्टर 12 क्लासेस का पढ़ाएंगे। यहाँ पर क्लास 12 की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई हैं, तो आज हम क्लास 12 का जो प्रीवियस पेपर है 2019 का सेट ए है, उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या, सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें, पेपर को मैनेज कैसे करें। कई स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स को पेपर मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, तो हाउ टू मैनेज द क्वेश्चन पेपर। देखिए हमारी पेपर में ऐसा होता है, पैटर्न ये है, या तो पहले 16 क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं, उसमें कैसे सोल्व करेंगे उसको। सबसे पहले जो हमारी आंसर शीट होती है, आंसर शीट इस टाइप में खुलती है, यहाँ से पेज खुल जाएगा, फिर दूसरा पेज खुल जाएगा, इस तरह से खुलती है पेपर, उसमें खुलती है। तो यहाँ सीट क्या है, लंबी होती है क्वेश्चन में, या तो वो होता है क्वेश्चन फर्स्ट के 16 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15 16, या होता है क्वेश्चन में कि 1 से 16 तक लिखा जाए, इस तरह से होता है। तो हमें क्या करना है, इन सब को बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, या हमें एक ही पेज पे स्क्रॉल करना है, अगले बार बार पेज पे नहीं आएंगे। क्वेश्चन पेपर में सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व जो क्वेश्चन समय आते हैं, आंसर आते हैं, जो जिस पे हम पूरी तरह विश्वास है, उनको पहले सोल्व करेंगे, उनको लिख देंगे, जो नहीं आते हैं उनके लिए स्पेस छोड़ देंगे। इसमें पहली सीट पे करने का ये बेनिफिट है कि मान लीजिए बीच में हमें क्वेश्चन याद आ गया, तो हम फर्स्ट सीट को हम जल्दी से निकाल सकते हैं। दूसरी बात क्या है, पहली जो सीट है उस पर हमें पता रहता है कि उस पर नज़र हमारी सबसे पहले जाती है कि हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन रहता है, कौन कौन सा कंप्लीट हो गया या कौन अनकंप्लीट हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को हम दो बार कर देते हैं, या कोई क्वेश्चन रह भी जाता है। तो फर्स्ट सीट पर लिखे होने के बाद हमारे 16 के 16 क्वेश्चन हमारी आँखों के सामने होंगे, जब भी हमारे सोल्व करने का मन करे तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा, एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, उसको पता चलेगा कि इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन सोल्व पेपर सोल्व किया है, तो स्टूडेंट्स को नॉलेज है, इस प्रकार उसने सोल्व किया है। पहले जो 16 एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसमें कोई कटिंग नहीं करनी है, एक नंबर का जो क्वेश्चन है उसको कट करके दोबारा नहीं करना है। एग्जामिनर उसमें मार्क्स दे भी सकता है, चांसेस होता है, ऐसा होता है कि मार्क्स ना दे, क्योंकि एक नंबर का जो क्वेश्चन है दोबारा किया है, मान लीजिए इसका आंसर 5 है, उसने कट करके 7 लिख दिया, तो वो सोचेगा इसने नकल मार के लिखा है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले कम पूरी तरह उसको सोल्व करें, उसके बाद उसको करें। तो अब हम जो 2019 है उसका जो क्वेश्चन पेपर है सेट ए, उसको सोल्व कराते हैं। देखिए पहला जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व हम साइड में कर सकते हैं। ये जब बड़ी सीट बड़ी होती है, यहाँ पर हम रफ वर्क रख के सोल्व कर सकते हैं, और रफ वर्क पे करने के बाद लास्ट में इस पर काटा जरूर लगा देना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एफ ओ जी ये फंक्शन R2R और G है R2R,
तो एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, जी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वेयर। तो क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू ये है। अब जी ए, अब एफ एक्स को इलिमिनेट करना है, इसको हटाना है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, थ्री एक्स स्क्वेयर, तो कोस थ्री एक्स स्क्वेयर। तो इसको, ये इसका आंसर है, या लिख सकते हैं हम इसके सामने कोस थ्री एक्स स्क्वेयर, इतना भी लिख सकते हैं, इसमें सोल्ड ऑप्शन नहीं है, तो ये इसको लिखना कोस थ्री एक्स स्क्वेयर। एक नंबर में है यहाँ, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो इसको यहाँ हम सोल्व करके दिखाएंगे ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट पे, सेकंड पार्ट है इसका, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह के सबसे क्वेश्चन है, तो लेट करना है, लेट इक्वल टू थीटा, तो इनवर्स हटाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, साइन थीटा। साइन कितनी डिग्री, पहले हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन कितनी डिग्री, 1/2 होता है साइन 30, साइन 30 π/6। इधर इसको, तो इसको ऐसे से, अब -1/2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/sin π/6 इक्वल टू साइन थीटा। अब ये माइनस बार है, माइनस बार नहीं होनी चाहिए, माइनस बार को अंदर लेने के आफ्टर स्कूल, स्कूल टू कॉलेज। अब साइन नेगेटिव किस में रहता है, थर्ड एंड फोर्थ में। अब इसकी डोमेन भी देखनी होती है, डोमेन क्या रहती है, -2 से +π/2 से, तो ये -π/2 कहाँ आ जाएगा, ये इसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको हम फोर्थ में चेंज कर देंगे, -π/6 साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू -π/6। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, ij = 1/2 मॉडुलस ऑफ 3ij। अब मैट्रिक्स बनानी है ऑर्डर 3/2, 3/2 में क्या आ जाएगा, a11 a12 a21 a22 a31 a32। ये किसको दे रहा है, रो को, रोज कितनी है 3, कॉलम्स कितने हैं 2। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर i की वैल्यू 1, ये i को रिप्रेजेंट करता है, ये j को, i की वैल्यू कितनी आई है, इसके अंदर पुट करो, सेपरेटली निकाल सकते हो। अब 1 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, i की वैल्यू 1 -3 × 1 क्या आएगी, 1/2 -2 मॉडुलस है, तो कितना आ जाएगा, प्लस कितना आया, 1, क्या आया, 1, तो इसकी वैल्यू 1 है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, i की जगह 1 रखना है, j की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, तो a12 कितना आएगा, 1/2, i की वैल्यू 1, 3 × 2, 1/2 -6
वन में सिक्स गया फाइव, मोडलस का निशान है तो क्या जाएगा प्लस फाइव, क्या आएगा फाइव बाई टू, इसकी वैल्यू क्या है फाइव बाई टू। रफ वर्क है ये। अब है टू वन, टू वन एक्स की वैल्यू कितनी है आई की टू वन, कितना आ गया टू माइनस थ्री माइनस वन, माइनस वन वन बाई टू, क्या है वन बाई टू। अब आई की वैल्यू भी कितनी है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में निकालना है ए टू टू, ए टू टू की वैल्यू क्या है वन बाई टू, टू इंटू थ्री इंटू टू वन बाई टू, टू माइनस सिक्स फोर, फोर मोडलस है तो दोनों प्लस आ जाएंगी टू, क्या गया टू। यहाँ पे कितना गया थ्री वन, वन बाई टू थ्री, थ्री इंटू वन, थ्री में से थ्री गया जीरो, थ्री टू वन बाई टू कितना आ गया थ्री इंटू थ्री इंटू टू, यह है वन बाई टू माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, ये है आंसर मैट्रिक्स। ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को मतलब रो को जे कॉलम को, ये जो आएगा ये आंसर। थ्री एक्स एक्स वन टू, ज़्यादातर समय पे क्वेश्चन पेपर में सेट होता है। इस क्वेश्चन में क्या है, बच्चा क्या करता है सीधा इक्वेट कर देता है एक्स इक्वल टू टू। अगर एक मिनट हम इक्वेट करते हैं एक्स इक्वल टू टू, यहाँ से क्या रहा है एक्स इक्वल टू फोर, तो दो डिफरेंट वैल्यू होगी जो कि क्या है एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर क्या है, पहले तो समझना पड़ेगा ये निशान किसका है, ये डिटर्मिनेंट का निशान है, डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वेट हो जाएंगे टू इक्वल टू एक्स इक्वल टू टू, फिर यहाँ कुछ ऐसी टर्म लिखी होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। अब ये मैट्रिक्स नहीं है डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे कैसे, सिंप्लीफाई करेंगे थ्री इंटू वन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, थ्री इंटू वन माइनस एट, इस थ्री से थ्री कट गया माइनस एक्स स्क्वायर किसके कुल आया माइनस एट, एक्स की वैल्यू क्या आई अनरूट ऑफ एट प्लस माइनस, तो x इक्वल टू प्लस माइनस टू रूट टू, इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जब ऑप्शन दे रखी हैं तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, साइड में रफ वर्क सोल्व करके कहीं पर भी रख सकते हैं वो आंसर रखना। साइन एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव डिफ्रेंशिएट निकालना है, लेट इक्वल टू वाई विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का कोस
फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव, कौन सा रूल यूज हो गया, चेन रूल यूज है, तो क्या आएगा ये, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन टू एक्स फाइव का जीरो, कोस एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव, तो ये लिख सकते हैं टू एक्स कोस एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव आंसर कोस एक्स स्क्वेयर। क्या करेंगे, पहले फंक्शन फर्स्ट फंक्शन साइन, साइन का क्या होता है कोस स्क्वेयर है कोस एक्स, अब जो ब्रैकेट के अंदर उस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आया टू एक्स फाइव का क्या होता है जीरो, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गई टू एक्स कोस एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव। कहता है द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन आर इक्वल टू थ्री, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, तो रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कल लेट जनरल टर्म के लिए आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं आर यूनिट्स, बाद में क्या करेंगे वैल्यू आर की वैल्यू थ्री। एरिया क्या दे रख, क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वेयर, क्या होता है पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर क्या होता है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, आर लिखा है तो ही आर के रिस्पेक्ट में करना है, आर नहीं लिखा है तो हमें टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना होता है, आर मेंशन है आर मेंशन नहीं है तो हमें ट्विस्ट रेडियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस लिखा है तो डी बट बाई डी आर, इसका क्या जाएगा डेरिवेटिव ऑफ पाई आर स्क्वेयर, क्या जाएगा पाई इंटू टू आर, पाई इंटू टू आर, तो क्या आ गया सिक्स सिक्स पाई, सिक्स कैसे आया आर इक्वल टू थ्री, टू इंटू थ्री इंटू पाई, तो सिक्स, आर क्या है रेडियस सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू, इसका जो आंसर है इसमें जो लिखा हुआ है नन ऑफ दीज आएगा, नन ऑफ दीज, रीजन क्या है, रीजन है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, और आंसर में क्या पेपर में क्या क्वेश्चन पेपर में क्या मेंशन है सिक्स पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड, फोर पाई आर सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड, सेकंड कब होता जब टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है रेडियस के रिस्पेक्ट में, ये जो टर्म है कन्फ्यूजिंग है, ये यूनिट कैसे लिखी जाती हैं, कई बच्चों के दिमाग में है सर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट कट जाएगा, नहीं कटेगा, यहाँ पर ये एरिया की एरिया किसकी यूनिट लिखी जाएगी, ऊपर क्या है एरिया, नीचे क्या है रेडियस, तो रेडियस की यूनिट लिखी जाएगी, एरिया की यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की यूनिट है सेंटीमीटर, इन दोनों में जो चेंज है वो डिफरेंट चेंज होता है, क्या चेंज होता है क्योंकि टाइम है सेंटीमीटर सिंगल यूनिट है ये स्क्वायर यूनिट है तो डिफरेंट कट नहीं सकती। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट
x इक्वल टू टू, x की वैल्यू 2 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालने की, इसकी वैल्यू dy वाई बाई डी एक्स। तो सिंपली डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वेयर का क्या होता है 2x माइनस वन, इसका 2x, इसका 1। अब पॉइंट देखें एट x इक्वल टू टू, डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू टू, टू इंटू टू माइनस वन थ्री, क्या आएगा 3, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एट्थ पार्ट, इंटीग्रेट साइन टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स डी एक्स। इस तरह के क्वेश्चन में ये चेक करना होता है कौन सी टर्म किसका डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव ये है, जिसका डेरिवेटिव है उसको टी पुट करते हैं, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पुट टेन इनवर्स एक्स, तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ गया वन प्लस एक्स के डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स क्या आ गया डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसकी वैल्यू क्या है डी टी, यानी किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू डी टी है, क्या है डी टी, तो क्या आंसर आया साइन टी, ये तो पूरी टर्म यूज हो चुकी है, ये डी टी, टी की वैल्यू की साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है कोस टी, कोस टी या माइनस ऑफ कोस टी, माइनस ऑफ कोस टी प्लस सी, इसकी टी की वैल्यू लिखो, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है माइनस कोस ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है माइनस वन टू वन यहाँ प्रॉपर्टी देखो, पहले क्वेश्चन देखो किस टाइप का है, माइनस ए टू ए, क्या है लिमिट माइनस ए टू ए, तो माइनस ए टू ए जब आता है तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्या फंक्शन की टाइप देखनी है, फंक्शन है, फंक्शन ओड है या इवन है, तो ओड या इवन चेक करने के लिए एफ एक्स की वैल्यू लिखो, एफ एक्स क्या है साइन फाइव एक्स कोस रेज टू पावर फोर एक्स, ये अंदर वाली टर्म एफ एक्स है, यहाँ तक ओड या इवन चेक करने के लिए वैल्यू पुट करेंगे, साइन एक्स की जगह माइनस एक्स लिखें, एग्जिट में क्या है साइन पावर फाइव है तो ये होल पावर फाइव है, कोस माइनस एक्स होल पावर फोर, यहाँ क्या आएगा वी नो दैट, हम जानते हैं माइनस ऑफ ना साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस वन रेज टू पावर फाइव साइन पावर फाइव एक्स कोस कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स, कैसे कोस जीरो माइनस एक्स, जीरो माइनस एक्स आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जीरो में समथिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे किस क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ, फोर्थ में कोस क्या रहेगा पॉजिटिव,
और इसी प्रकार साइन 0 माइनस एक्स फोर्थ में, साइन फोर्थ में कितना रहेगा नेगेटिव, तो उसके आगे माइनस आ जाए। तो ये क्या आ गया, ये तो एफ एक्स माइनस वन की पावर 5, ओड पावर है तो क्या आ जाएगी नेगेटिव, तो क्या रहेगा एफ एक्स। तो ये क्या आ गया ओड फंक्शन आया, क्या आया ओड फंक्शन। तो लिमिट क्या होती है, अगर फंक्शन ओड है माइनस टू ए टू ए, एफ एक्स ओड है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है जीरो। प्रॉपर्टी फिफ्थ है, प्रॉपर्टी यूज होगी, क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन जीरो, क्या है इंटीग्रेशन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एक्स स्क्वायर पूछा है, डिफरेंशियल का ऑर्डर बताओ, ऑर्डर किसका होता है, ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर चेक करना होता है, किसका चेक करना होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है यहाँ पर टू, हाईएस्ट डेरिवेटिव टू है, उसकी पावर देखो, उसकी पावर देखें, पावर कितनी आ गई वन, पावर कितनी इसकी वन, क्वेश्चन नंबर टेन पावर वन, इसकी पावर क्या है वन, तो आंसर आ गया वन। हाईएस्ट ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है सेकंड, इसका कितना है फर्स्ट, पावर कितनी है डिग्री कितनी है वन, तो हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री कितनी आएगी वन, तो पूरी इक्वेशन की डिग्री वन रहेगी। क्वेश्चन नंबर इलेवन है, थर्ड ऑर्डर डिग्री निकालनी, इसकी डिग्री क्या आएगी, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है वन, डिग्री भी वन रहेगी, पावर इसकी क्या है वन है, तो डिग्री क्या रहेगी वन। नेक्स्ट देखिए, ट्वेल्व पी ऑफ ई फाइंड सिक्स, पी ऑफ एफ फाइंड थ्री, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड, फाइंड ई बाई एफ, फॉर्मूला क्या होता है, कंडीशन कुछ है, कोई कंडीशन नहीं है, फॉर्मूला है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी ऑफ एफ, कोई भी हो जो नीचे टर्म है वो नीचे आ जाएगी, ऊपर जो है ऊपर हमेशा दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, दोनों क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन कितना है पॉइंट टू और एफ पॉइंट थ्री, तो पॉइंट से पॉइंट कट सकता है या टू बाई टेन, इसका डेसिमल ऊपर जाएगा तो टू बाई थ्री, क्या आंसर आया टू बाई थ्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ऑफ ए पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री, पी ऑफ बी 0.6, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट,
इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू पूछी है तो यहाँ वैल्यू पुट अप कर दे, इसकी वैल्यू कितनी है 0.3, इसकी वैल्यू क्या है 0.6, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 18, डेसिमल कितने कहाँ चला जाए 2 डिजिट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल, 4 व्हाइट प्लस 6 ब्लैक बॉल, 6 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, बॉल निकाल दी, एक बॉल ले ली यहाँ से फिर वापस उसको रख दिया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर ब्लैक, कितनी है बोथ बॉल्स आर ब्लैक, फर्स्ट भी ब्लैक होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी, ए क्या है फर्स्ट इज ब्लैक, ब्लैक कितनी है 6, 6 बाई टोटल कितना सम 10, जो सेकेंड बॉल है वो क्या होनी चाहिए ब्लैक, कैसे ब्लैक होगी तो जो बॉल है वो वापस रख दी इसके अंदर, तो टोटल बॉल कितनी रहती हैं 6 रहती हैं ब्लैक, और टोटल क्या रहेंगे 10, इसको कट कर मल्टीप्लाई कर दो, जब नीचे 10 है तो मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद डेसिमल लगा देंगे सीधा, 0.0636। नेक्स्ट है, फाइंड द वेक्टर यूनिट वेक्टर द सम ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस 5k, बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k। फर्स्टली क्या पूछा है सम, नया वेक्टर मान लिया सी वेक्टर, सम क्या आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सम ऐड करते हैं तो कौन ऐड हो जाएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ आई 4i प्लस इसका कोफिशिएंट 1, 2 प्लस 1 3 माइनस 2k। अब यूनिट वेक्टर पूछा सी कैप, सी कैप क्या दिया सी वेक्टर बाई सी मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर कितना है 4i प्लस 3j माइनस 2k डिवाइड बाई क्या आया 4² प्लस 3² माइनस 2² क्या गया 4i प्लस 3j मैग्नीट्यूड कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 4, अगले स्टेप पे ले सकते हैं डिवाइड बाय अनरूट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्सटीन डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखे हैं 2 - 1 - 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ए डिवाइड बाई a1 स्क्वेयर a2 स्क्वेयर प्लस a3 स्क्वेयर, a1 स्क्वेयर a2 स्क्वेयर a3 स्क्वेयर, a1 स्क्वेयर a2 स्क्वेयर प्लस a3 स्क्वेयर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी
टू बाई टू टू स्क्वेयर प्लस माइनस वन स्क्वेयर प्लस माइनस टू स्क्वेयर। यहाँ माइनस वन इसका कितना है कोफिशियंट, फोर प्लस वन प्लस फोर क्या आएगा माइनस टू। इसको सिंप्लीफाई किया सेम टर्म है यहाँ पर, तो कितना आया फोर प्लस रूट नाइन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री आंसर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सिक्स मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसको सिंप्लीफाई करेंगे।